दोस्तों कभी भी आपको मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए कहा जाए तो मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, इससे सरल तरीका मैंने आज तक नहीं देखा है 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाने का। कैसे आपको 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार 3x3 का मैजिक स्क्वायर बना लेना है। बन गया, यहां पर आपको लाइन खींच लेना है, यही बन गया, बस इतना ही करना है। अब इसमें आपको अंकों को भरना है। अंकों को कैसे भरेंगे, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं इससे सरल तरीका आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। मान ले जाए आप 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर सभी तरफ से जो योग है वो क्या होना चाहिए, सब तरफ से योग बराबर होना चाहिए और ये डायगोनल में भी योग बराबर होना चाहिए। इसी को तो मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, इसके गुण अद्भुत होते हैं, इसलिए इसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। अब 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस ध्यान से देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं। आप अंग्रेजी का जेड तो जानते ही होंगे, अंग्रेजी का जेड अक्षर जानते होंगे, बस आपको जेड शेप को याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है, बस जेड शेप को याद करिए। और मैजिक स्क्वायर न केवल छोटे संख्याओं का, आप जितनी बड़ी संख्या का बनाना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है, क्रमशः 9 अंक आपको ले लेने हैं, क्रमशः 9 अंक, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने पूरा प्रूफ कर दूंगा। मान ले जाए मैं कोई संख्या लेना चाहता हूं 50 से लेके स्टार्ट करना चाहता हूं, 50 से लेके मैं क्या करूंगा, 50 लूंगा, 51 लूंगा, 52 लूंगा, है ना, है ना, 52, 53, इस प्रकार हम लेते जाएंगे, 54, 55, 56, 57, इस प्रकार हम लेते जाएंगे 58, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमने संख्या ले लिया। भरेंगे कैसे, मैंने बताया कि आपको ये जेड से उसको याद कर लेना है। अब भरेंगे कैसे भैया, आपका पहला संख्या यहां भरना है, आखिरी संख्या यहां भरेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला संख्या हमारा यहां पे आ गया 50। अब गिनती आपको आता ही होगा क्रमशः, इसलिए क्रमशः आपको 9 संख्या ले लेना है। 50 के बाद यहां पर 51 भरना है, लेकिन 51 को छोटा सा लिख लीजिए, 51 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, जेड शेप में चलना है, शुरुआत यहां से करेंगे फिर जेड शेप में चल रहे हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और ये हो गया 58, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या करेंगे 58। करना क्या है, लास्ट में आपको ये वाला अंक और ये वाला अंक दोनों को क्या कर देना है, केवल चेंज कर देना है। यहां पर 56 के बाद 57 था, 57 यहां पे आएगा, और यहां पर 50 के बाद 51 था, 51 यहां पे आएगा, और आपका मैजिक स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। अब इनको आप जोड़ कर देखिए, मैं जोड़ते नहीं रहूंगा क्योंकि मैं बहुत सारा ट्रिक आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा सिखा रहा हूं। आप ऊपर से नीचे जोड़िए, दाएं से बाएं जोड़िए, डायगोनली जोड़िए, कैसे भी जोड़िए, योग जो है बराबर आएगा। योग बराबर आने का भी एक फार्मूला होता है, योग कैसे बराबर लाते हैं वो भी मैं बता सकता हूं। अब चलिए एक छोटे से ट्रिक से बता रहा हूं। मान लीजिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 यहां पे लिखता हूं, 2 यहां पे लिखना हूं, लेकिन 2 यहां पर मैं नहीं लिखूंगा, 1 चलो छोटा सा लिख देता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये और ये संख्या को आपस में चेंज करना होता है, इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, हो गया। ये देखिए यहां पर 8 आएगा क्योंकि यहां पर 7 के बाद 8 आता था, 1 के बाद 2 यहां पे आता है, 2 यहां पे आएगा। अब जोड़ कर देखिए, हर तरफ से योग बराबर ही आएगा, करके देखते हैं, चलो 8, 4, 12, 12 और 3, 15, इस मैजिक स्क्वायर में ना 3x3 का मैजिक स्क्वायर है, योग कितना आएगा, 15 आएगा सब तरफ से। देखिए 9 और 1, 10 और 5 कितना हो रहा है, 15, 7 और 2, 9 करते हैं, 9 और 6, 15, ये देखिए यहां पर देखिए 9, 4, 13, 13 और 2, 15, यहां पर देखिए 7, 3, 10 और 10 और 5, 15, यहां पर देखिए 8, 6, 14, 14 और 1, 15, तिरछा जोड़कर देख लेते हैं, 6, 4, 10 और 5 यहां पर 15, इसको जोड़कर देख लीजिए 8, 2, 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो निश्चित रूप से मैजिक स्क्वायर आपको समझ आ गया होगा। आप संख्या अपने अनुसार लीजिए, लेकिन वो संख्या लगातार होना चाहिए, बस इतना ही करना है, लगातार 9 संख्या लीजिए और यहां पर भर दीजिए। आप 11 से भरना प्रारंभ करेंगे, 11 से भरना प्रारंभ करेंगे, भरना यहां से है, आखिरी संख्या यहां पे आएगा, ये 11 हो गया, 12 यहां पे भरना है, लेकिन यहां पे नहीं भरना होता है, 12 के बाद यहां पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहां पे नहीं भरना है, और 19 यहां पे भरना है। अब देखिए 11 के बाद 12 यहां पे आएगा और 17 के बाद 18 यहां पे आएगा, सभी तरफ से योग बराबर होगा और आपका मैजिक स्क्वायर हो गया। बस इतना ही तो करना होता है, इतना ही करना है, और ऐसे शानदार मैजिक स्क्वायर आपको सीखना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित के जादुई वीडियो के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, है ना, मैजिक स्क्वायर के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें 3 से लेके आप 17 तक के मैजिक स्क्वायर, 17, 18, 19, 20 जितना बनाना चाहो
सीख सकते हो, पूरे ट्रिक उसमें समझाए गए हैं। तो सारे ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ आने वाले हैं। और अंकों का रहस्य सीखना है आपको, मतलब कौन कौन से अंकों में कौन कौन से अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा मेरे ख्याल से। लेकिन हमारे चैनल में हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है 369 अंकों का रहस्य, उसमें जाइए और अंकों के बारे में एकदम नई नई जानकारी सीखिए। उसके लिए आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, और उसमें 45 वीडियो अपलोड करने वाला हूं। कम से कम 25 वीडियो तो मैंने बना रखे हैं, 45 वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।